क्या आपको भी इंस्टाग्राम पे होना है ग्रो? क्या आप भी चाहते हो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रोफेशनल बनाना? क्या आप भी चाहते हो दोस्तों कि आपका अकाउंट ज्यादा से ज्यादा रीच करे? क्या आप भी चाहते हो जो आप रील्स अपलोड कर रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास पहुंच पाए, आप जो पोस्ट कर रहे हो वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस के पास पहुंच जाए? तो आपको करना बस एक सेटिंग जो कि आज के वीडियो पे आपको मैं शेयर करूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से हमारे एक और नई वीडियो पे, और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। तो ये वीडियो पूरा एंड तक वॉच करना, क्योंकि आज के वीडियो पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप एक सेटिंग, अगर आप इंस्टाग्राम पे ये सेटिंग एनेबल नहीं करते हो तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो अपने आईडी के साथ, और आप खुद भी गलती कर रहे हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इंस्टाग्राम रील्स मेक कर रहे हो, इंस्टाग्राम पोस्ट बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट कर रहे हो, बट आपका रील्स और पोस्ट वायरल हो नहीं रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा है? बस एक सेटिंग के कारण वायरल नहीं हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अपने अकाउंट को प्रोफेशनल पे कैसे स्विच करें, जो कि आपके आईडी पे ऑडियंस आए, आपके रील्स को वॉच करे, आपके पोस्ट को लाइक करे, आपके रील्स को लाइक करे, और आपका भी अकाउंट वायरल होगा इसके मदद से। सो दोस्तों, आप देखो रहे हो अपना चैनल वाईटी स्मार्टी, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर नीचे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सोशल मीडिया के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड होते रहती है। आप इजिली जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मैं आपको बता दूं कि आप अपना इंस्टाग्राम आईडी को प्रोफेशनल में कैसे स्विच कर सकते हो, वो भी चुटकी पे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ, और आपको इसका मैं बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि अगर आप प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच कर दियो तो इसका बेनिफिट्स आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है और वीडियो को एक सेकंड भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और आपको शेयर करते हैं कि कैसे आप अपना इंस्टाग्राम आईडी को प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच कर सकते हो और उसके क्या क्या बेनिफिट्स है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सो फ्रेंड्स, मैं आ जाता हूँ अब अपने मोबाइल स्क्रीन तरफ। आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन पॉप होता दिख रहा होगा। अब मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम ओपन हो गया। आप अगर मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया, अगर आप मेरे से इजिली बात करना चाहते हो, अगर सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कुछ हेल्प लेना चाहते हो, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे डीएम करके मेरे से ले सकते हो। आपको यूजर आईडी इधर पॉप होता दिख रहा होगा और आपको लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको शेयर करता हूँ कि कैसे आप अपने आईडी को प्रोफेशनल पे बदल सकते हो और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर देख सकते हो मेरा प्रोफेशनल आईडी है। अगर आप अपने आईडी को प्रोफेशनल में चेंज कर देते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर में प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिल जाता है। आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि इसका क्या क्या फायदा है। यहाँ पर डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आईडी का सारा इनसाइट्स खुल के आ गया। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, यू रीच्ड 5,734 अकाउंट्स इन द लास्ट 30 डेज। यहाँ पर बता रहे कि 5,734 अकाउंट्स आपके जो अकाउंट है उस पर आया है, और यहाँ पर कंपेयर February 1, March 2, यहाँ पर कंपेयर कर रहा है माइनस में 20.9%। यहाँ पर आपको बता रहे कि यहाँ पर कंपेयर कर रहा है फरवरी से लेके मार्च में जो आया है माइनस में गया है 20.9%। अगर आप अपना आईडी प्रोफेशनल में चेंज कर देते हो तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम खुद से, इंस्टाग्राम आपको यहाँ पर बताएगा टिप्स एंड रिसोर्सेज कि आपको कैसे इंस्टाग्राम पे ग्रोथ करना है, कैसे आपको क्या करना है। यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएटर है, अगर आप क्रिएटर हो, अगर आप खुद के वॉइस पर रील्स को मेक करते हो, अगर आपको अच्छा रील्स को मेक करना, तो आपको यहां पर जो ट्रेंड चलेगा इंस्टाग्राम पे आपको यहां पर सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आप यहां पर इजीली टैप करो, आप इजीली यहां पर नीचे पढ़ सकते हो और पढ़ के आप इसके रिगार्डिंग आप रील्स मेक कर सकते हो। मतलब कि ये जैसे जैसे बोलेगा उसके रिगार्डिंग रील्स जब आप मेक करोगे तब आप ट्रेंड पे रील्स को बनाओगे, उसके बाद आपका भी रील्स वायरल होगा। और आप भी अगर प्रोफेशनल अकाउंट पे चेंज करके आप ये सबको फॉलो करोगे तो आपका भी इंस्टाग्राम वायरल होगा। और दोस्तों, अगर आपको इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक चाहिए तो उसका भी वीडियो भाई आपके लिए लाने वाला है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, याद से आपको आपका भाई ब्लू टिक भी ला के देगा। आपको कैसे ब्लू टिक को लेना अपने अकाउंट पे वो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए अब आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं आप इनसाइट्स, यहाँ पर ये है
योर टूल्स, आप यहाँ पर बहुत सारा टूल्स है, आप ब्रांड कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर अकाउंट रीच देख सकते हो, अकाउंट इंगेज देख सकते हो, टोटल फॉलोअर्स अपना देख सकते हो, आपको जो रील्स पोस्ट कर रहे हो वो कितना कितना व्यूज़ आया वो सब आप यहाँ से इजिली चेक कर सकते हो। आप यहाँ पर बहुत सारा चीज़ देख सकते हो, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो कहाँ कहाँ से मेरा ऑडियंस आ रहा है मेरे इंस्टाग्राम पे। आप ये देख सकते हो कहाँ से आपको टॉप कंट्री से ऑडियंस आ रहा है, आपको टॉप रेंज देख सकते हो, एज रेंज देख सकते हो, आपका ऑडियंस कौन कौन सा एज का, वो सब भी आप यहाँ पर रेंज देख सकते हो। आप यहाँ पर ये भी पता कर सकते हो आपके आईडी पे कौन आ रहा है, कौन आपको फॉलो कर रहा है, कौन बिना फॉलो किए निकल जा रहा है। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अपने आईडी को प्रोफेशनल अकाउंट पे चेंज कर लो। अब आपको मैं बता दूँ कि आपको प्रोफेशनल अकाउंट पे चेंज कैसे करना है। ये तो मेरा ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट पे चेंज हुआ है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कि नया आईडी में क्रिएट करके आपको बताता हूँ कैसे आप अपने आईडी को प्रोफेशनल अकाउंट पे चेंज कर सकते हो। आपका जीरो फॉलोवर्स में भी आपका आईडी प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ये मेरा जो आईडी है, ये मेरा चैनल के नाम से आईडी बना हुआ। अब मैं ये देख सकते हैं ये मेरा प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है। अब इसको मैं अपना प्रोफेशनल अकाउंट पे आपको चेंज करके दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने आईडी को प्रोफेशनल अकाउंट पे चेंज कर सकते हो। और ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका आईडी पब्लिक है तो ये बहुत अच्छी बात है, तभी आपका अकाउंट प्रोफेशनल में चेंज होगा। अगर आपका आईडी प्राइवेट है तो उसे पब्लिक करना पड़ेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऊपर पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसलिए थ्री डॉट पे क्लिक करना है। और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसलिए सेटिंग पे क्लिक कर लेना है। और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अकाउंट पे क्लिक करना है। और अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे चले जाना, और नीचे जाने के बाद स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पे क्लिक कर लेना। आप जैसे ही क्लिक करो यहाँ पर क्या लिखा रहा है दोस्तों, गेट प्रोफेशनल टूल्स, तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर लर्न अबाउट योर फॉलोअर्स, तो यहाँ पर आप जितना फॉलोअर्स है आपका, यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो अपने फॉलोअर्स को। तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। रीच मोर पीपल, यानी कि आप अगर प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच करोगे तो आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा रीच करने लगेगा पहले से, ठीक है। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। गेट न्यू कॉन्टैक्ट ऑप्शन, अगर आप ये प्रोफेशनल अकाउंट पे आप अगर चेंज करते हो, अपने आईडी को इनेबल करते हो, प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच करते हो, तो यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट, यानी कि आप अपना मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर या जीमेल या आप डायरेक्ट मैसेज का भी अपना लेबल लगा सकते हो अपने आईडी के फ्रंट में, ठीक है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पर फोकस करना। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब यू, मतलब यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको, आपका जो आईडी है आप वहाँ पर क्या चीज़ अपलोड कर रहे हो, क्या चीज़ आपको यहाँ पर जो लेवल दिख रहा है ना सजेस्टेड का, जो लेवल है आपका, ये लेवल लगने वाला आपके आईडी पे। तो यहाँ पर आप ध्यान से सेलेक्ट करना है कि आपका आईडी, आप कौन सा कंटेंट डालते हो अपने इंस्टाग्राम पे, या फनी डाल रहे हो, या आप क्रिएटर हो, आप यूट्यूब वीडियो मेक करते हो, अगर आप एडुकेशन का चैनल मेक करते हो, यहाँ पर आपको उस तरह का लेवल लगाना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप ब्लॉगर हो तो ब्लॉगर लगा सकते हो, यहाँ पर आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट लगा सकते हो, अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट लगता हो तो म्यूज़िक लगा सकते हो, यहाँ पर डिजिटल क्रिएटर लगा सकते हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना लेवल चूज़ करना। अगर आपको लेवल चूज़ करना नहीं आ रहा दोस्तों, तो आपको मेरा इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे को इजिली फॉलो कर लो, फॉलो करके मेरे से हेल्प भी ले सकते हो। यहाँ पर देख सकते हैं पर्सनल ब्लॉग है, यहाँ पर राइटर है, यहाँ पर एडिटर है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोस को क्रिएट करता हूँ और मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, मैं यहाँ पर क्रिएटर हूँ। तो यहाँ पर आपको क्रिएटर सर्च कर लेना, देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएटर नहीं, यहाँ पर वीडियो क्रिएटर आता है। वीडियो क्रिएटर पे टिक करते हैं, और वीडियो क्रिएटर पे टिक करने के बाद ऊपर पे एक ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल। अगर आपको इससे डिस्प्ले करना है अपने इंस्टाग्राम आईडी का प्रोफाइल पे, तो आपको इसे एनेबल कर देना। तो मेरे को एनेबल कर देना, और एनेबल करने के बाद डन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही डन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, आप यहाँ पर क्रिएटर हो या बिजनेस हो यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपका अगर बिजनेस है तो आप बिजनेस अकाउंट भी डाल सकते हो, अगर आप क्रिएटर हो तो क्रिएटर भी डाल सकते हो। अब ये दोनों में आपको डिफरेंस बता दूँ, क्रिएटर का मतलब कि आप अपने खुद से क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट करके अपने ऑडियंस को दिखा रहे हो। बिजनेस का मतलब कि अगर आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप इंस्टाग्राम क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट किए हो अपने दुकान के नाम से, अगर आप अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो अपने इंस्टाग्राम पे, तो आपको यहाँ पर बिजनेस सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएटर हूँ, तो क्रिएटर पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ स्टेप बता रहा है कि गेट इंस्पायर्ड, तो यहाँ पर मैं फाइव स्टेप है, तो आपको फाइव स्टेप कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दो तीन जन को फॉलो करना पड़ेगा, आप चाहो तो दो तीन जन को बाद में अनफॉलो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंस्पायर पे क्लिक करता हूँ, मतलब कि फॉलो पे क्लिक करता हूँ, फॉलो पे क्लिक करने के बाद टिक पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। तो मैं ग्रो योर ऑडियंस, तो यहाँ पर आप किसी को भी शेयर कर दो, इनवाइट कर दो। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा थ्री स्टेप कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, शेयर कॉन्टैक्ट योर
व्यू एनालाइज, तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको कोई भी क्रिएट है तो यहाँ पर क्रिएट करके पोस्ट कर देना अपने आईडी पे, और आईडी पे क्रिएट कर पोस्ट करने के बाद आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेप टू मोर, यानी कि यहाँ पर तीन फोटो ऐसा सेलेक्ट करना, तो आपको थ्री फोटो सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक ही फोटो को सेलेक्ट करता हूँ, बाद में इसे आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर एक स्टेप और एक है एक मोर, तो यहाँ पर क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ पर टिक पे क्लिक करना है, और टिक पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री पोस्ट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मेरा यहाँ चारों स्टेप हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा रहा है, एक्सप्लोर पर्सनल, तो यहाँ पर गो टू एनालाइज पे क्लिक करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर व्यू एनालाइज पे क्लिक करना है और बैक करना है, और यहाँ पर एड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर बैक कर लेना। बैक करने के बाद टिक पे क्लिक करना। दोस्तों यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो गया पाँचों का पाँचों स्टेप, तो मैं डन पे क्लिक करता हूँ। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा अकाउंट देख सकते हैं प्रोफेशनल अकाउंट बन गया। अगर आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो कि आपका अकाउंट पे कितना आदमी आ रहा है, कितना आदमी जा रहा है, कितना यूजर्स आपके अकाउंट पे विजिट कर रहे हैं, कब आ रहे हैं, आप कब रील्स अपलोड कर रहे हो, तो कब आपको रील्स अपलोड करना चाहिए जब आपके ऑडियंस एक्टिव हो, वो सारा का सारा चीज बताएगा। तो ये करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो पर कमेंट करना, और मेरे को बताना कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा। और आपको इंस्टाग्राम का रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी जाकर कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर कमेंट करना, और इस वीडियो का लाइक एंड रखते हैं मिनिमम 500 लाइक, आशा करता हूँ आप लोग दोस्तों कंप्लीट कर दोगे। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप लोग भी अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बना लो, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं अगर ये आपको जानना है तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं आपको मैं वीडियो पे बताते बताते आया हूँ क्या 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 बेनिफिट्स हैं इसके। अगर आपको इसके और बेनिफिट्स जानने हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ पार्ट टू लाना है कि नहीं इसका। तो पार्ट टू देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो की तरफ गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।